हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस टाइम पर क्या करंट एनर्जीज है, क्या करंट फीलिंग है आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की, टैरो कार्ड में देखेंगे। सो डियर गाइस, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। और आज मैं जो देखने जा रही हूँ टैरो कार्ड में कि आपका रिलेशन जो है वो कब ठीक होगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो आपका जो रिलेशन है वो कब ठीक होगा आपके पर्सन के साथ, और कब वो आपको कॉन्टेक्ट करेंगे, और कब सारी चीज़ें दोबारा से पहले जैसी होंगी, इसी चीज़ को आज टैरो कार्ड में देखने जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, आप किसी भी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, इस रीडिंग को देख सकते हैं। और क्या है एनर्जीज यहाँ पर, क्या आपके रिलेशन में दोबारा से एनर्जीज आएंगी, क्या आप दोबारा से एक होंगे, क्या आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्या दोबारा से फिर आप पहले जैसे ही बात करेंगे, सारी चीज़ों को टैरो कार्ड में देखेंगे। सो एनर्जीज है क्या देखेंगे। सो दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगी डियर गाइस कि ये जो रीडिंग है वो जनरल रीडिंग है, राइट। एंड बहुत सारे लोग इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख रहे हैं, हज़ारों लोग आपको समझ सकते हैं, तो सभी के साथ मेरी जो रीडिंग है वो कनेक्ट हो जाए, सो इट्स नॉट पॉसिबल, ओके। सो अगर आपके साथ कनेक्ट होती है तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। एंड मैं इसीलिए पास्ट का बता देती हूँ, थोड़ा बहुत प्रेजेंट का मैं बता देती हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपकी एनर्जीज है इसमें या नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, आपके पर्सन तो आपको मिस कर रहे हैं एंड अकेलापन फील कर रहे हैं जो मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड दिल टूट रहा है क्योंकि आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे बोलना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स मेरे को यहाँ पर दिख रही हैं। लाइक वो प्रॉब्लम्स थर्ड पर्सन की भी हो सकती हैं, ठीक है। एंड किसी भी प्रॉब्लम्स में है, लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एफर्ट्स कर रहे हो आप, लेकिन एफ़र्ट्स करने के बाद भी कुछ एनर्जीज तो मुझे यहाँ पर ऐसी मिल रही हैं कि जो आपके पर्सन हैं वो आपके साथ कांटेक्ट में तो हैं, ठीक है, लेकिन कांटेक्ट में होने के बाद भी ना तो वो आपसे बात करते हैं ना ही आप उनसे बात करते हो, और अगर आप कोई मैसेज करते भी हो तो आई थिंक वहाँ से रिप्लाई नहीं आता है। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, क्योंकि आई थिंक आपका जो रिलेशन था पहले बहुत खूबसूरत रिलेशन था, ठीक है, लोग जालिस करते थे आपके रिलेशन से, ऐसा भी मेरे को दिख रहा है, एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि लोग बहुत जालिस फील करते थे क्योंकि आप लोग शायद अपने रिलेशन में बहुत हैप्पी थे और अच्छी एनर्जीज आ रही है, बैलेंसिंग एनर्जीज थी पहले रिलेशन में, लेकिन सडनली चीज़ें जो है ना वो मेरे को चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है कि एनर्जीज आज के डेट में चेंज हो गई है, ठीक है, लेकिन मुझे आपके पर्सन इतना ज़्यादा भय में क्यों दिख रहे हैं मुझे, और दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा गुस्से में भी नज़र आ रहे हैं मुझे आपके पर्सन। ऐसा लग रहा है किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा है इनके दिल में, इनको बहुत ज़्यादा गुस्से में है, ये बहुत ज़्यादा गुस्से वाली एनर्जीज भी दिखाई दे रही है, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़ है, ठीक है, ऐसा भी मेरे को दिख रहा है। और नाराज़गी में इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, कुछ बात हुई है आपकी दोनों की जिसकी वजह से किसी को भी लेकर हुई है, या कुछ में भी हो सकता है कि आपको इग्नोर कर रहे थे जिससे आपने इनको कुछ बहुत कुछ सुना दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ एनर्जीज ऐसी भी हो रही है कि आपके जो पर्सन है वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू या किसी और थर्ड पर्सन से बात करते हैं, लेकिन अगर आपको जब सच्चाई पता चली है तब आपने जो है इनसे बोला है, आई थिंक, क्योंकि जो मेरे को एनर्जीज दिख रही है मैं उसी चीज़ को बता रही हूँ, वो नाराज़ हो गए और आप दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो पूरी तरीके से यहाँ पर दिख रहा है कि डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपकी लाइफ से सडनली गए हैं और उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, ऐसी स्थिति दिख रही है, और कुछ चीज़ें आपसे छुपा भी रहे हैं, मैं ये भी देख रही हूँ। आप हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इनसे पूछने की कोशिश कर रहे हो कि प्लीज़ क्यों नहीं बात कर रहे हो, या फिर आप किसी और के साथ रिलेशन में हो तो आप मुझे बता दो, मुझे आप बता सकते हो, मैं पीछे हट जाऊँगी, जो भी हैं आप, ठीक है,
लेकिन आपके पर्सन जो है वो सच्चाई को छुपा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और इसी बात को लेकर आप दोनों के बीच में बहुत कहा सुनी हो गई है, और कुछ एनर्जीज मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इनकी जो फैमिली है आपके पर्सन की, ये फैमिली इनको मिसगाइड करती है। ये हो सकता है कि आपकी कोई कोई भी इनके साथ आपकी, हो सकता है कि इनके साथ आपकी मैरिड हो, जो फैमिली इनको मतलब आपके ख़िलाफ़ कर रही है, ऐसा मेरे को एनर्जीज मिल रही है, जिसकी वजह से भी आप दोनों के बीच में रिश्ता जो है ना वो नाराज़गी रहती है, दोनों के बीच में बात होती है सही से नहीं होती है, झगड़े होते रहते हैं, आर्ग्यू होती रहती है, मतलब ये एनर्जीज हो गई है। और हो सकता है कि आप किसी अलग प्लेस पर रहते हो, वो किसी अलग प्लेस पर रहने लगे हों, नो कॉन्टैक्ट हो गया है, कभी कभी बात होती है, बट वो बात भी ऐसी होती है जैसे लगता है कि मतलब शायद आर्ग्यू करने के लिए आज बात हुई थी, हमारी झगड़ा हो गया, ऐसी एनर्जीज मेरे को यहाँ पर दिख रही है, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जीज आ रही है, जो कि यहाँ पर इस चीज़ को बता रही है कि ऐसे में आपके पार्टनर का भी माइंड डिस्टर्ब हो रहा है और आपका भी हो रहा है। क्योंकि आई थिंक देखो आपके जो पर्सन है शायद वो गुस्से वाले बहुत हैं और मिसगाइड तो हो गए हैं वो थोड़ा बहुत, ये भी दिख रहा है, और चीज़ें भी छुपा रहे हैं। लेकिन अगर मैं इनकी एनर्जीज़ को देख रही हूँ तो इनकी एनर्जीज़ मुझे ऐसी नहीं दिख रही है कि ये आपसे दूर जाना चाहते हैं, मुझे इनकी एनर्जीज़ ऐसी दिख रही है कि ये आपके साथ, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर बैलेंसिंग एनर्जीज़ भी है, तो ये आपके साथ मतलब आपकी बात नहीं हो रही है, वो चीज़ अलग है, आप कांटेक्ट में नहीं है, या फिर कोई मिसगाइड कर दिया है, या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है आप दोनों के बीच में, या आर्ग्यू हो गई है, वो नाराज़ होकर चले गए हैं। लेकिन इनके दिल में आज भी आपके लिए ही फीलिंग्स मेरे को नज़र आ रही है, मतलब एक फीलिंग्स होती है जिसको हम अपना समझते हैं ना, हर किसी को तो हम अपना नहीं समझते, इस दुनिया में कितने सारे लोग हैं, बट हम हमें बहुत सारे लोग अच्छे भी लगते हैं, लेकिन हम हर किसी को अपना नहीं समझते हैं ना, लेकिन अगर हम किसी एक व्यक्ति को अपना समझते हैं तो मीन्स हमारी फीलिंग्स उनके साथ जुड़े, हमारी भावनाएं जुड़ी हैं, तो वो चीज़ है आपके पर्सन के लिए, आपके उनके दिल में आपके लिए, ठीक है। एंड यही फीलिंग्स आपके दिल में भी उनके लिए है, जबकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो आप, नाराज़गी है, झगड़े भी हो गए, गुस्सा भी है, लड़े भी खूब हो आप, ठीक है, ऑन ऑफ भी हुआ है। और ये भी हो सकता है कि आप लोग एज में डिफरेंस भी हो सकता है आपका, मुझे ये भी दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर किसी दूसरे के पीछे आप दोनों के बीच में आज रिलेशन ठीक नहीं है, और ये आप देख रहे हो, अभी भले ही आप साथ नहीं होगे, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है कि हो सकता है कि आप साथ ना हो, लेकिन यहाँ पर कप्स की एनर्जीज है, और बहुत ज़्यादा मतलब आपके पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब सैड मेरे को दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ऑलवेज वो आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। पाइसिस या स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये, ठीक है, एनर्जीज़ जो आ रही हैं मैं वैसे राशियां भी बताती जा रही हूँ, और आज पूरी तरीके से अकेले हैं ये, ठीक है, दोबारा कप आया है, इमोशनली फीलिंग्स हैं आपके लिए, एंड टू ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो देखो कोशिश तो ये कर रहे हैं कि आप और ये अलग ना हो, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग आप दोनों के बीच में ऐसे हैं जो पूरी तरीके से इस कोशिश में लगे हो कि आप एक ना हो पाओ, जैसे कि मतलब यहाँ पर ये एनर्जीज आई है वर्गो कैप्रिकॉन या टॉरस, मींस टॉरस एनर्जीज है यहाँ पर है, लेकिन इनके कुछ फैमिली वाले भी हो सकते हैं जो शायद आपको पसंद नहीं करते हैं, आपका उनके साथ किसी बात को लेकर झगड़ा भी हुआ है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी जो भी दिख रही है मुझे उसके साथ हो सकता है कि आपने बात किया हो, और वो डेविल एनर्जीज़ में मेरे को नज़र आ रही है, तो डेविल एनर्जीज़ अगर है तो फिर कहीं ना कहीं वो डेविल तो मतलब प्रॉपर तरीके से इस रिलेशन को नहीं चाहता है कि आपका रिलेशन ग्रो करे बढ़े। अच्छा, दूसरी चीज़, आपके जो पर्सन है उनकी हेल्थ इशूज़ भी आ रहे हैं, और यहाँ पर फाइव ओ कप्स है, देखो फाइव ओ कप्स की एनर्जीज यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि आप दोनों साथ में नहीं हो, ठीक है, एंड उनकी लेकिन फीलिंग्स आपके लिए हैं, मतलब आपको मिस करते हैं, ठीक है, आपकी कमी महसूस होती है, क्योंकि वो आपके साथ रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते हैं, इस रिश्ते को वो निभाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी कुछ रिलेशन देखा, जो भी ज़िंदगी में खुशियां देखी, जिसको भी उन्होंने लव किया या जो भी उनके दिल के करीब रहा, चाहे आप दोनों में कोई भी रिश्ता हो, है ना, लेकिन ये आपके पास ही इनको खुशियाँ मिलती हैं, पीस मिलता है, शांति मिलती है, पीस,
राइट। तो वो एनर्जीज यहाँ पर मेरे को दिख रही है। जेमिनाई हो सकते हैं, ये लिब्रा भी हो सकते हैं, एरीज या लियो या सैजिटेरियस के भी पर्सन हो सकते हैं, और कप्स हैं तो पाइसिस हो सकता है कि हो, ठीक है। लेकिन इनकी ये इन्होंने गुस्सा बहुत किया है, झगड़ा भी बहुत किया, बहुत रूढ़ हुए हैं ये आपसे, ठीक है, और पूरी तरीके से गुस्सा होकर चले गए हैं आपकी ज़िंदगी से, या आप इनकी ज़िंदगी से चले गए हो, अलग अलग हो सकता है, आप रह रहे हो, है ना, लॉन्ग डिस्टेंस में रह रहे हो, पर आप आपकी कमी इनकी लाइफ में बहुत दिख रही है, मतलब एक सूनापन है इनकी लाइफ में, वेट भी करते हैं कि सारी चीज़ें शायद ठीक हो जाएं, कुछ जिद भी आ रही है मुझे आप दोनों के बीच में, कोई जिद मुझे दिख रही है। अब आप लोग ज़्यादा बेहतर समझ सकते हो कि किस चीज़ का इतना जिद मेरे को दिख रही है कि वो चीज़ पूरी होगी तभी हम इसको करेंगे, मतलब कुछ ऐसी गुस्सा, नाराज़गी, कुछ जिद ऐसी जिसमें ब्लॉक कर दिया है, बात करनी बंद कर दी है, झगड़ा ही झगड़ा और डिस्टेंस, और वो एनर्जीज़ किसी थर्ड पार्टी की भी आ रही है कि कोई थर्ड पर्सन बराबर इसी चीज़ में लगा हुआ है कि आप लोग के बीच में सलाह ना हो, आप लोग के बीच में रिलेशन ठीक ना हो, मतलब प्रॉपर तरीके से मिसगाइड करना, और जबकि उनके फीलिंग्स हैं आपके लिए, मैं यहाँ पर देख रही हूँ फीलिंग्स हैं आपके लिए, इमोशनली बहुत हैं और सोचते हैं कि ना टूटे ये रिश्ता, जुड़ा रहे आपके साथ, हो सकता है कि आपका मैरिज पार्टनर हो आपके, या फिर इनके साथ आपकी मैरिज होने वाली हो, या फिर लव रिलेशनशिप हो, आप लोग अलग अलग जगह पर मैरिड हो, कोई भी रिलेशन हो सकता है, रिलेशन तो रिलेशन है लेकिन लविंग रिलेशन है, केयरिंग रिलेशन है, दूर नहीं जाना चाहते हैं लेकिन फिर भी दूर हैं, मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो रही बात कि एनर्जीज कब सिचुएशन में आएगी, तो देखो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि डेविल भी है, बीच में डिस्टर्ब भी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं पेशेंस का कार्ड है जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है जो कि इंतज़ार कर रही है आज भी कि हाँ भाई ये लौट कर आएंगे, शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो एक कार्ड ले लेते हैं, स्टेबल तो होना चाहते हैं। देखो ऑन ऑफ सिचुएशन भी हो रही है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी हो सकता है, एज डिफरेंस भी दिख रहा है, लेकिन देखो इनके पर्सनल लाइफ पे इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर कह रही है कि पर्सनल लाइफ में बहुत इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, और जॉब या करियर इनका कुछ है, बिजनेस, वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका है, क्योंकि फोकस पूरा माइंड जो है ना किसी में मन ही नहीं लगता है, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीज़ों को ठीक करने में लगा रहता है, जब से डिस्टर्ब हुआ है, जब से आप दूर हो गए ना, तब से तब पूरा माइंड आपकी तरफ है। हेल्थ इशूज़ आ रहे हैं, हेल्थ पर बहुत फ़र्क पड़ रहा है, और शायद आपने सुना भी हो किसी रिलेटिव्स के ज़रिए, फ्रेंड्स के ज़रिए, या फिर देखा भी हो किसी फ़ोटो में, पिक्चर्स में, कि चेहरा डाउन हो गया है, फेस डाउन हो गया है, और बहुत ज़्यादा मतलब मिस करते रहते हैं आपको, क्योंकि वो खुश नहीं है। तो यहाँ पर एनर्जीज है मेरे पास कि कप्स की, कि वो आएंगे आपको मनाने के लिए, क्योंकि अंदर से उनके मन यही होता है कि चलो भाई एक बार बात कर लें आपसे, और बोलें आपसे कि मैं स्टेबल होना चाहता हूँ, फ्यूचर तुम्हारे साथ ही देखता हूँ मैं, ठीक है, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही है, और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, कुछ नाराज़गियाँ भी हैं, कुछ ईगो भी है, तो ये एनर्जीज है। लेकिन उसके बाद भी लास्ट एनर्जीज यही निकल कर आई है सिक्स ऑफ कप्स की, भाई वो कहीं ना कहीं जो जो एनर्जीज है, जैसे ईगो है या स्ट्रेस है या गुस्सा, नाराज़गी, वो पीछे रहने वाली है, एंड अपना पेशेंस वो बिल्कुल पूरी तरीके से लूज़ करेंगे, और किसी ना किसी दिन उनका मैसेज ज़रूर आएगा आपके लिए, या कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे, आपको लेकर जाएंगे, क्योंकि एनर्जीज है, एनर्जीज बेस पर ही जो है मैं देखकर बता रही हूँ कि सिक्स ऑफ कप्स है, जो कि यहाँ पर आप और उनके बीच में जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बना हुआ है, रूठे हैं जो आप उनसे, या फिर वो नाराज़गी है आप दोनों के बीच में, वो नाराज़गी जो है वो दोबारा से मतलब यहाँ पर ठीक होने की एनर्जी जा रही है, कि वो खुद आकर आपको मना लेंगे या फिर आपसे बात करेंगे कि भाई वापस से जो है वो इस रिलेशन को, मतलब इस रिलेशन में आ जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, ऐसी एनर्जी जा रही है। तो ईश्वर भरोसा करें, यूनिवर्स का ध्यान करें, और मुझे पर्सनली अगर आपसे मुझसे कोई भी एडवाइस लेनी है तो प्लीज़ मुझे कॉल ना किया करें, मुझे सीधा वीडियो पर से नंबर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वीडियो पर नंबर है, मुझे मैसेज करिएगा, ठीक है, पेड सर्विस है, फ्री सर्विस नहीं है, मेरी पर्सनल रीडिंग पेड सर्विस है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा हुआ है, लेकिन मुझे कॉल ना करें और कमेंट बॉक्स में से नंबर कभी ना लें, एंड टेक केयर, बाय बाय।